हम सब के जीवन में कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कुछ बाधाएं यानी बैरियर्स भी होती हैं। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में किसी भी प्रकार के बाधा को हम लोग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस कहेंगे। दूसरे शब्दों में कम्युनिकेशन प्रोसेस में ऐसा कुछ भी जो मैसेज को भेजने में, रिसीव करने में या समझने में रुकावट बनता हो, उसे हम लोग बैरियर्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस कहेंगे। इसी बैरियर्स की वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिवली पूरा नहीं हो पाता और कम्युनिकेटर्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कम्युनिकेशन में यह बैरियर्स ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। कुछ बैरियर्स को अवॉइड किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर कुछ कम्युनिकेशन के बैरियर्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन के बैरियर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। सराउंडिंग की वजह से फिजिकल बैरियर उत्पन्न होता है। वे कंडीशंस जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में रुकावट उत्पन्न करते हैं और कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव नहीं होने देते, वे सब फिजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं। मैसेज पहुंचने में लगा समय, सेंडर और रिसीवर के बीच में दूरी, यह सब कुछ कम्युनिकेशन प्रोसेस में फिजिकल बैरियर्स होते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अगर दो व्यक्ति दो ऑपोजिट टाइम जोन में हैं, तो उसे कम्युनिकेट करने में परेशानी होगी, क्योंकि एक व्यक्ति के यहाँ जहाँ दिन होगा, वहीं दूसरे व्यक्ति के यहाँ रात हो रहा होगा। तो कहने का मतलब हुआ, यह डिस्टेंस कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर के रूप में काम करता है। वहीं दूसरी ओर रिसीवर और सेंडर के बीच में दूरी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में बाधा के रूप में काम करती है। मान लेते हैं दो व्यक्ति फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, पर उसमें से एक व्यक्ति इंडिया में है और वहीं दूसरा व्यक्ति अमेरिका में है। तो इंडिया और अमेरिका के बीच की दूरी की वजह से फेस टू फेस कम्युनिकेशन संभव नहीं हो पाएगा। यानी इंडिया और अमेरिका के बीच की दूरी फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बैरियर के रूप में काम कर रही है। तो अब उन दो व्यक्तियों को किसी और तरह से आपस में कम्युनिकेट करने का साधन खोजना होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत नॉइज है, या मैसेज में किसी प्रकार का कोई डिस्टॉर्शन है, या कम्युनिकेशन करते समय किसी गलत कम्युनिकेशन चैनल का चुनाव हो गया है, तो ये सब फैक्टर भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर्स का काम ही करेंगे। अगला बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम, स्ट्रक्चर या प्रोसेस में प्रॉब्लम होने की वजह से अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस में रुकावट उत्पन्न होता है, तो वह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर के अंडर आता है। अगर किसी इम्प्लॉय को पता ही नहीं कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए किसे कॉन्टेक्ट किया जाए, तो वह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर के अंडर आएगा। इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैसेज को ट्रांसफर करने का सिस्टम अप्रोप्रिएट नहीं है, सटीक नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल हैं, तो ये भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर के रूप में ही काम करेंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस में अगला बैरियर है लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी रिलेटेड बैरियर्स। एक दूसरे से कम्युनिकेट करते समय अप्रोप्रिएट वर्ड्स, वोकैबुलरी और लैंग्वेज का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अलग अलग रीजन के लोग एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से समझते हैं। इसके अलावा अगर डिफिकल्ट और अनफेमिलियर वर्ड्स, लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस का कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज किया जाएगा, तो हो सकता है रिसीवर को मैसेज समझने में परेशानी हो, जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में बाधा उत्पन्न करेगा। एग्जाम्पल, यूएसए में ग्रैंड शब्द का मतलब होता है बहुत अच्छा, वहीं दूसरी ओर आयरलैंड में ग्रैंड शब्द का मतलब होता है फाइन यानी ठीक। एग्जाम्पल टू, ए इंग्लिश बोलता है, वहीं बी स्पेनिश बोलता है। दोनों अगर अपने भाषा में बात करेंगे, तो दोनों को एक दूसरे से बात करने में परेशानी होगी, तो दोनों को एक दूसरे की बात समझ नहीं आएगी। यहाँ लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रोसेस में बाधक बन रहा है। दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज में बात करना होगा, जिससे दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सके और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। एग्जाम्पल थ्री, मान लेते हैं सी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, वहीं डी को बेसिक इंग्लिश आती है। सी को डी के साथ कम्युनिकेशन करते समय सावधानी से वर्ड्स, वोकैबुलरी और एक्सप्रेशंस का चुनाव करना होगा, जिससे सी के बातों को डी समझ सके और सी और डी के बीच में सही तरह से, इफेक्टिव तरह से कम्युनिकेशन हो सके। चलिए अगले बैरियर की ओर चले, जो कि है कल्चरल बैरियर। आज के डाइवर्स दुनिया में अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना आम बात है। सेंडर को रिसीवर के कल्चर को ध्यान में रख करके ही कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि कल्चर की वजह से कम्युनिकेशन में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो। जैसे यूएसए में आई कांटेक्ट जरूरी होता है कम्युनिकेशन करते समय, पर कुछ एशियन कंट्रीज में इसे डिसरेस्पेक्टफुल यानी अपमानजनक भी माना जा सकता है।
अगर अगले बैरियर की बात करें तो वह है इमोशनल बैरियर। हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार के इमोशंस होते हैं, जैसे गुस्सा, जलन, संदेह, और यही इमोशंस कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट भी करता है। अगर इमोशंस की वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस में बाधा उत्पन्न होता है तो उसे इमोशनल बैरियर कहेंगे। एच और आई आपस में एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पर एच केवल प्रोजेक्ट के बारे में चिंतित है, तो यही चिंता एच को आई के बोले गए बातों पे फोकस करने नहीं देगा, और चांसेस बहुत हाई है कि आई के द्वारा बोली गई बातों को एच पूरा भी ना समझ पाए। तो यहाँ चिंता एच को आई के द्वारा बोली गई बातों को समझने नहीं दे रहा है। दूसरे शब्दों में इमोशन एच और आई के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें बैरियर के रूप में काम कर रहा है। अगला बैरियर है एटीट्यूडनल बैरियर। जब बिहेवियर या एटीट्यूड इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधक यानी बैरियर बने उसे हम लोग एटीट्यूडनल बैरियर कहेंगे। व्यक्ति का एटीट्यूड कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, एक मोटिवेटेड वर्कर कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है, वहीं दूसरी ओर डिससेटिस्फाइड, शाई, इंट्रोवर्ट, लेजी वर्कर कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिले करता है और कम्युनिकेशन प्रोसेस में बाधा भी उत्पन्न करता है। चलिए अगले बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की ओर चलते हैं, जो कि है परसेप्चुअल बैरियर। अगर कोई इंडिविजुअल अपने आसपास के लोग, सिचुएशन या इवेंट के आधार पर कोई परसेप्शन यानी धारणा बना लेता है और उस धारणा की वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस में बाधा उत्पन्न होता है तो उसे परसेप्चुअल बैरियर कहेंगे। अगर किसी टीम लीडर को ऐसा लगता है कि यंग वर्कर उसके किसी प्रोजेक्ट में सही तरह से काम नहीं कर सकते तो वह टीम लीडर जब प्रोजेक्ट के लिए टीम बनाएगा, टीम बनाते समय वो यंग वर्कर को अपने टीम में शामिल नहीं करेगा। अगला बैरियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड के लिमिटेशंस की वजह से अगर कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न हो तो वह फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल, अगर रिसीवर को हियरिंग प्रॉब्लम है तो वो सेंडर के द्वारा बोला गया मैसेज को पूरी तरह से नहीं सुन पाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर सेंडर को स्पीच प्रॉब्लम हुआ तो वो अपनी बात सही तरह से रिसीवर के सामने नहीं रख पाएगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम या लिमिटेशंस की वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रभावित होगा। अगला बैरियर है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। टेक्नोलॉजी ने कई चीजों को आसान बनाया है, पर कभी कभी टेक्नोलॉजी की वजह से ही कम्युनिकेशन में बैरियर्स उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल, मान लेते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में ही इंटरनेट सर्विसेज का ब्रेकडाउन हो जाना, जिससे होगा ये कि कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा, और यहाँ टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर का काम किया। वहीं दूसरी ओर कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए ऐसा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना जिसे चलाने में ही कई प्रकार की परेशानियां हो, तो इससे होगा ये टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट करने के जगह कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर के रूप में काम करेगी।